दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। हमारे पास देखो एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, स्टैंडर्ड 8 का हम सॉल्व कर रहे हैं। 10th चैप्टर है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या ऐसे ही उसका भी होगा, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, जो पहला वेरिएबल है ना, पहला वेरिएबल लिख लेंगे। अब नेक्स्ट वाले जो हैं उनको लिखेंगे, ठीक है, पूरे को लिख देंगे। ऐसे लिख दिया, यहाँ जो साइन होगा उस साइन को लिखेंगे, सेकेंड वाला भी फिर वापस यही लिख देंगे, ठीक है, हो गया इतना। अब क्या करेंगे, अब इतने को पहले सॉल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, साइन वैसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आपको, पहले ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये साइन ऐसे ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा 6x³, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको रिड्यूस करते हैं, पहला वाला तो वैसे ही रह जाएगा माइनस। अब देखो ये वाले सॉल्व हो जाएगा, वेरिएबल सेम है तो माइनस, बड़ी संख्या माइनस होगी, माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस x³ हो जाएगा, ये इतना ही आएगा। इसके आगे सॉल्व आप नहीं कर सकते, इसको चाहिए तो ऐड कर सकते थे, लेकिन पावर सेम होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसी तरह आपको अगर मैथ्स पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।